और अभी देख सकते हो कि अभी यहाँ पर गाड़ी की डेकोरेशन मैंने कितनी अच्छी की हुई है। गाड़ी भी अच्छी लग रही है आज। भाई डंडा के रख, डंडा डंडे से वो सुन, जो भी होगा ना वो हथियार से नहीं, डंडा रखना आगे, डंडा। तो दोस्तों ये देखते हो, चिकन इज रेडी और बहुत ही डिलीशियस लग रहे हैं बारबेक्यू होने के बाद। वही बुल्ली कुछ दिख रहा है यार, भाई बुल्ली कुछ दिख रहा है। बुल्ली बुल्ली क्या हुआ, बुल्ली कौन दिख रहा है? हेलो इंडिया, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे यार। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। कार कैंपिंग करने जा रहे हैं अपने दोस्तों यारों के साथ और अभी ऑन द वे हैं। मजा आने वाला है यार, आज फिर से हम खतरनाक से जंगलों में कैंपिंग करने जा रहे हैं। सो दिन में आ गए हैं आज, क्योंकि आज थोड़ा जल्दी निकल गया, आज सब फ्री थे, संडे था, तो आज हमने सोचा कि आज जल्दी से जल्दी जाते हैं कैंपिंग करते हैं, तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। चलते हैं यार अपनी कैंपिंग लोकेशन, वहीं मिलते हैं। बाकी यार आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर आ रहा होगा मेरा इंस्टाग्राम नाम, वो आप जाके इंस्टाग्राम में सर्च मार के मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहां से भी हम एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगे। व्लॉग भी लेट आते रहते हैं तो बीच में हमारा गैप हो जाता है, तो उस गैप को पूरा करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, और आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे वहां पर एक लिंक भी होगा, वहां पर भी आप क्लिक कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल को, और वहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, आपको फॉलो बैक जरूर करूंगा। फिलहाल अभी हम पहुंच गए हैं अपनी कैंपिंग लोकेशन में, बस पहुंचने वाले हैं 5 मिनट में, तो वहीं मिलते हैं आपको अच्छी सी जगह में। इतना सोना क्यों अपने तो दोस्तों अभी हम अपनी कैंपिंग लोकेशन में पहुंच चुके हैं, अभी हम दिन में पहुंचे हैं, इसलिए आपको दिखा रहा हूं कि यार यहां पर देखो कितना जंगल आगे पीछे, चारों तरफ आप मेरे पीछे देख सकते हैं पूरा जंगल का जंगल ही है, तो बहुत ही खूबसूरत है यार जंगल में मंगल। सो आज जंगल में मंगल होगा। जो हमारी कैंपिंग लोकेशन है वो वहां पर है नीचे, यहां पर थोड़ा सा हम जल्दी पहुंचे, हमने कहा चलो आपको दिखा देते हैं यहां की खूबसूरती। ये हमारा जम्मू, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है शाम के टाइम, अभी ठंड का टाइम है तो बहुत ही, अभी थोड़ा सा फॉग भी दिख रही है हल्की हल्की, अभी शाम होने वाली है, रात होने वाली है, शाम तो हो गई है, तो बहुत मजा आने वाला है आज की नाइट कैंपिंग में। बस थोड़ा सा वेट करें, जैसे यहाँ पर रात होती है तो यहाँ पर हम करेंगे अपनी शुरू नाइट कैंपिंग इन कार। सो दोस्तों यार आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, हमने यार गैस फिल करवाई थी एक बड़े टाइम पहले, हमने इसको यूज ही नहीं किया था, बट इसमें प्रॉब्लम ये आ गई कि ये ना बहुत ज्यादा है ना ओवरफिल हो चुकी है, तो इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, हम जिसको आग लगा रहे हैं ना ये बहुत ज्यादा आग पकड़ रही है, रिस्क है इसका फटने का, तो आज हम ओपन में लेकर आए हैं इस गैस को, गैस रिलीज करने वाले हैं ताकि इसका जो ओवरफिल है वो खत्म हो जाए थोड़ा सा। तो भाई ये सारे और दोस्तों इस काम में बहुत ज्यादा रिस्क है, तो हमने ये काम सारा पंडित को दिया है, और पंडित की वीडियो भी बन रही है कि पंडित तो ये खुद अपनी मर्जी से करने जा रहा है ना सारा काम, तो पंडित अपनी मर्जी से ये गैस को रिलीज करने जा रहा है, अगर इसमें कुछ भी दुर्घटना होती है, पंडित के साथ कोई हादसा होता है, तो उसमें हम कोई जिम्मेदार नहीं है, ठीक है, हम सारे, तो पंडित देख ले ठीक है। तो पंडित बोला हाँ कि अगर पहले बोल तो कुछ हुआ तो भाई जिम्मेदार कोई नहीं होगा, ये तुझे बोलना पड़ेगा भाई, ये मजाक नहीं, रिस्क है ये, बोल ठीक है ब्रावा, बोल मर गया तो सब कुछ पिदेगा पिदेगा नहीं। दोस्तों अब ये गैस रिलीज करने जा रहे हैं, अब हम थोड़ा दूर जा रहे हैं, तो पंडित की आखिरी निशान है ये थोड़े से हम दूर जा रहे हैं, क्योंकि इसमें ओवरफ्लो हो चुका है। टाइम नोट कर लो इसको, सुने बोला 10 मिनट के लिए खोल के रखना। दोस्तों 5:16 भाग जाना अभी यहाँ से सारे, ऐसे सुना होता है, उसने बोला नीचे करना, नहीं पीते कोई फायदा नहीं है, ऊपर जान दे, वो उल्टा नीचे गिरेगी इसके ऊपर, क्या हुआ तेरे को? मुझे भी दिख रही नीचे निकलते हुए, वो देख इधर आ वो देख। सो दोस्तों ये देख सकते हो आप पूरी गैस रिलीज हो रही है, और ये इतना खतरनाक इस टाइम पे है ना, तो दोस्तों दोस्तों वो अपना काम स्नैप बना के भाग गए, उनको इतना डर लग रहा है। सही बात है, ये हम इधर जंगल में हैं इसीलिए ये सब कर रहे हैं, ये घर पे ऐसा कभी भी ना करें, ये ओवरफ्लो हो चुकी थी तो इसका यही इलाज है, इसमें से गैस थोड़ी सी रिलीज करनी है, नहीं तो ये जलेगी नहीं, हमारे किस काम की नहीं थी कि हम इसको मतलब सीट। ठीक है भाई तू बैठ, मैं आया ठीक है भाई, बहुत बातें करने लग गया, रिस्क है भाई
पंडित ठीक है यार, 10 मिनट तक बैठना, रिलीज करके आ जाना ठीक है। तुम्हें स्मेल आ रही है ना? सो दोस्तों अभी गैस जो ओवरफिल हो चुकी है उसको अभी हम रिलीज कर रहे हैं। जैसे वो रिलीज हो जाएगी और गैस हमारी यूजेबल बन जाएगी तो उसको उसके बाद हम करेंगे अपनी कार कैंपिंग की शुरुआत, क्योंकि आज की कुकिंग गैस में होने वाली है। फिलहाल पंडित अपना काम कर रहा है रिस्क लेके। मुझे तरुण एक बात बता, अगर ये जो तूने भी गैस को खोला है अगर ये फट जाए, ये फट सकता है क्या अभी? तो और क्या, बंदा कह रहा था इसकी सिंगल चादर है, सिलेंडर होता है ना जो बड़ा 15 वाला, तो ये आज ही पता चला कि वो जो उसकी लेयर होती है वो डबल उसकी आयरन की। अंदर की साइंटिफिक बातें, टेक्निकल बातें मत कर, तू बस बता ये अभी फट सकता है, इसका रिस्क है ना? ना कोई आसपास माचिस ना जलाए तो नहीं फट सकता। गाइस इधर कैमरा में तब कर, माचिस की बात कर रहे हो गाइस? भाई ये तू ये वाला कांड मत करना, मरेगा खुद भी मरेगा। ओ इसको अंदर रख ले भाई माचिस को, मरना नहीं है हमने। ज्यादा खोल। सो दोस्तों तरुण ने प्रेशर बहुत ज्यादा खोल दिया है, आपको दिख रहा होगा वो, देखो तरुण भाग गया। देख कितनी, अब इसको बंद करने कौन जाएगा? मैं तो नहीं जाने वाला। तू जाएगा, तूने ही खोला। ओ प्रा, मैं नहीं इसको बंद करने जाने वाला। ओए इसका ब्लास्ट होने का सीन तो नहीं गई? अब वो ब्लास्ट मैं तो कहता हूँ जम्मू उठ जाएगा इससे। जा पास एक लेके, पास तेरे में है दम, जा जा रिलीज कर दी। अब वो तरुण आग लगाने लगा, हम सब दूर भाग गए। देखो अब तरुण ही है हमारा, तरुण मरेगा। ओ वेरी गुड, चल गया, चलो भाई। तरुण तरुण यार ब्रेव बॉय, तरुण क्या अंदर से तरुण भी डर रहा है। क्या जान दे, क्या जानना चाहिए हमको? मुझे पता रिस्क नहीं है, मैंने रिस्क नहीं है, आ जाए हम फिर तू पीछे को खड़ा कर, रिस्क नहीं है तो ऊपर चढ़ जाओ उसके। दोस्तों अब जा रहे नीचे। कौन सी ये पीली गैस? तो स्टार्टिंग में पीली निकलेगी, अभी क्या हो गया तेरे को? फटेगी फटेगी, वो उस दिन उससे ज्यादा ठंडी थी भाई, आज की थोड़ा ठीक था। तो दोस्तों यार आप देख सकते हो मेरे पीछे बैकग्राउंड में अभी रात हो चुकी है और बहुत ही ब्यूटीफुल नजारा हो चुका है मेरे बैकग्राउंड में। अभी फुली नाइट नहीं हुई, फुली डार्कनेस वाली नाइट नहीं हुई, तो इसलिए बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। लाइट भी है पीछे और यहाँ पर अभी हम कर रहे हैं अपनी मैरिनेशन चिकन एंड सोया चाप की। आज फिर से चिकन एंड सोया चाप बना रहे हैं। मेरा तो इतना मन नहीं करता लेकिन जो मेरे साथ दोस्त यार हैं ये बिना चिकन एंड सोया चाप के रहते नहीं है। फिलहाल आज इनकी खुशी के लिए आज फिर से चिकन एंड सोया चाप बनाया जा रहा है और आज फुल गाड़ी डेकोरेशन हो चुकी है, वो भी आपको दिखाता हूँ मैं। और बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, आज फुल इंजॉयमेंट होगा, आज हमारा सिंगिंग डांस सब कुछ होगा यार। पूरे इस पूरे व्लॉग में बने रहे। बाकी यार आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे को यार इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं करते, आप मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो करें। अभी देख सकते हो स्क्रीन में मेरे इंस्टाग्राम यूजर नेम आ रहा है, तो यहाँ पर आप जाके इंस्टाग्राम में सर्च कर सकते हैं या फिर मेरी डिस्क्रिप्शन में जाएंगे वीडियो के तो वहाँ पर एक लिंक होगा मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल का, तो उस पर क्लिक करके आप मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। वहाँ भी कनेक्ट होते हैं, वहाँ भी आपसे बात किया करेंगे मेरे। अगर आपको व्लॉग पसंद आ रहे हैं, ये कैंपिंग पसंद आ रही है, तो प्लीज कैंपिंग व्लॉग्स को लाइक और कमेंट शेयर किया करो, क्योंकि आपका प्यार उस लाइक कमेंट और शेयर से ही मिलता है। पहले तो आप व्लॉग को जब देखने आते हो तो पहले लाइक कर देना होता है। जब व्लॉग को देख लोगे, जो आपको व्लॉग में पसंद आया जो नहीं पसंद आया वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, क्योंकि मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ना। मैं तो हर किसी को रिप्लाई करता हूँ, ठीक है, तो कमेंट जरूर करना। बाकी जब व्लॉग कंप्लीट देख लोगे उसके बाद एक शेयर भी कर देना अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने दोस्त फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि शेयर करोगे तो व्लॉग ज्यादा चलेगा और चैनल की रीच अच्छे से पहुंचेगी। और दोस्तों यार 50K सब्सक्राइबर भी होने वाले हैं, तो उसके लिए आप सबको पहले से ही थैंक्स बोल रहा हूं मैं आपको। आप सबके प्यार की वजह से मेरी 50K सब्सक्राइबर होने वाले हैं। स्लोली स्लोली क्या हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और हमारी फैमिली बड़ी होती जा रही है, कैंपिंग फैमिली। सो बड़ा मजा आएगा यार इस जर्नी में, बहुत देर तक हमारे साथ बने रहें, क्योंकि कैंपिंग ब्लॉग्स कभी रुकेंगे नहीं। जब तक आपका प्यार मिलता जाएगा तब तक कैंपिंग ब्लॉग्स आते रहेंगे, तो अपना प्यार जरूर बनाए रखें। तो फिलहाल दिखाते हैं आपको अपनी कार की डेकोरेशन और आज क्या बनाने जा रहे हैं कुकिंग में, और आज हमारे साथ कौन कौन कैंपिंग में आया है, तो फुल आपको दिखाते हैं, ठीक है? तेरे पास फोन यार, क्या कर रहे हो? सो दोस्तों अब हम क्या करने जा रहे हैं, एक तरफ तो हमने गैस पर रख दिया हुआ है कोयल ताकि हम अपने चिकन फ्राई करेंगे, और दूसरी तरफ हम ना बारबेक्यू भी करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पर हम कोयले जो रख दिए हैं बारबेक्यू के ऊपर, अभी वो थोड़े बड़े बड़े हैं उसको तोड़ रहे हैं ताकि छोटे छोटे हो जाएं और बराबर हो जाएं।
दूसरे से मारना उल्टा करके मार नहीं ये बैटरी है कोयले भाई लंबा चलेगा नहीं एकदम पास पास एकदम पास होते हैं हाँ तो मैंने कौन सा दूर से छोड़ा अभी ये बंद की हुई है इसीलिए आप कम सीटें मारेगा बहुत है काफी है तो दोस्तों इन्होंने ये थोड़ी सी बारबेक्यू नेशन के लिए रखी हुई है तो ये फ्राई के लिए इतनी ओ ये रेड भी होगी अभी बोल जल्दी बन जाएगा हाई रेड है वो ओ भाई पूना पकड़ गिर जाएगा ओ जल्दी दे पूना दे मुझे भाई इसको उधर रख पकड़ना यार एक बंदा पूना देना भाई वो डर मत ये देख ये ब्लैक भी होने लगी बनने ये बड़ी जल्दी बन रही है क्या कर रहा है भाई ये क्या कर रहा है ये देखना पहले बाल तूने हिस्सा रखे थे लास्ट ब्लॉग में सही आज तू कपड़े सही पहन गया हुआ है तरुण भी आजकल कम नहीं है तरुण देख जैसे वो बन गया हुआ है क्या बोलते हैं एन आर आई फॉरनर दोस्तों अभी हमने ना अपने जो सोया चाम थे वो हमने फ्राई करने रखे हैं तो तेल में डाल दिए हैं अब ये बन रहे हैं तो देखते हैं आज फ्राई चाम कैसे बनते हैं और दूसरी तरफ बॉबी कर रहा है यहाँ पर कोयले को बारबेक्यू के लिए रेडी मुश्कपुर बहुत बेटर रहता है मुश्कपुर यार लाए थे इसने घुमाई दिए यार जो कपूर लाए थे हमें यहाँ कोयले को आग लगाने के लिए इसने पता नहीं सारा डस्टबिन यहाँ फेंका था ना इधर फेंक दिए हैं तो आज की टेंशन फ्री में यहाँ पर व्लॉगिंग कर रहा हूँ बहुत मजा आ रहा है इस कैंपिंग में क्योंकि आज फ्राई का काम मैंने दिया तरुण को और यार जो दूसरा बारबेक्यू का वो कर रहा है बॉबी तो आज आराम से करेंगे हम फुल कैंपिंग के मजे क्योंकि यार मजा तभी आता है जब काम कोई और करे और हम कैंपिंग के पूरे मजे लें है ना और अभी देख सकते हो कि अभी यहाँ पर गाड़ी की डेकोरेशन मैंने कितनी अच्छी की हुई है गाड़ी भी अच्छी लग रही है आज और साइड में हमारे बंदे लगे हुए हैं काम करने के लिए ज्यादा बंदे लाओ ना बड़ा मजा आता है क्योंकि काम करते रहते हैं तो खुद आराम से बैठ के कैंपिंग में मजे लो बस मैं भी काम करता हूँ बट अगर आज कर रहे हैं बंदे खुद से इनिशिएट ले रहे हैं काम करने में तो हमें तो मजे लेने चाहिए ना गाइस ये छोटे मोटे क्रिएटर अपने 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 से बड़े बड़े क्रिएटरों से काम कराते हैं इनको मेरे नीचे लगना चाहिए पर से मेरे ऊपर चढ़े हुए ये कौन से खेत की मूली का क्रिएटर है पहले बताओ मैं हाँ मैं इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर विद 100 प्लस फॉलोअर्स 100 के प्लस फॉलोअर्स स्नैपचैट फॉलोअर्स हर जगह तो दोस्त आप दर्शकों को अपना यूजर नेम बता सकते हैं वो आपको फॉलो कर लेंगे ऑफिशियल बॉबी रेक्स ऑफिशियल बॉबी रेक्स अंडरस्कोर बॉबी रेक्स मतलब ऑफिशियल बॉबी रेक्स ओके सो जो मेन वाला होगा फेक मत करना मेरे बहुत सारे फेक भी हैं फैन पेजेस बने में बात सच है हाँ क्यों नहीं बॉबी सलमान खान के साथ घूमता है ये बॉबी बात है सच बता सच इसको उसी ने तो गिफ्ट की है ये जो बॉबी ने गिफ्ट सॉरी जैकेट पहनी हुई है ना हाँ? ये सलमान खान की सलमान खान गिफ्ट की है इसको प्रभास ने गिफ्ट की और इसको ओपा ने गिफ्ट की है क्या दोस्तों ये हमारे कोरियन फ्रेंड आए हैं आज फिर से कैंपिंग में और ये भी आज ब्लॉगिंग कर रहे हैं हमें देखते हुए और यहाँ पर यार हमारे कोले रेडी हो रहे हैं तो दोस्तों हमारे जो सोए चाप है वो रेडी हो चुके हैं अभी बॉबी और तरुण ने इनिशिएट लिया टेस्ट करने का क्यों बना ये रहे हैं गर्म है दिखा गर्म तो नहीं थी गर्म कहाँ नहीं थी कैसी ब्रो बॉबी काफी सॉफ्ट सॉफ्ट है टेस्ट है एकदम बहुत ज्यादा अच्छा कुछ कमी लग रही मुझे कमी लग रही है दोस्तों कमी लग रही है ये तो वीडियो में झूठ बोल रहा था दो कमी है नमक क्रंची नहीं है नमक नहीं है नमक भी नहीं है डाल देंगे नमक बाद क्रंची को लेगा नमक कम है हाँ नमक कम है वो हम बाद में डाल देंगे अभी थोड़ी कच्ची भी है चिपक रहा यार ये क्या है हो गए रेडी हो गए हाँ डाल प्लेट्स में तेल अपने सोक कर लेगा यार वो तो कर लेगा इसके बीच में भी तो रहना चाहिए ना फिर थोड़ा सा वो भी गैस कम कर थोड़ी सो दोस्तों हमारे जो सोया चाप है वो रेडी हो चुके हैं रेडी हो चुके हैं देखने में कैसे लग रहे हैं दिखने में तो बहुत ज्यादा काले लग रहे हैं खाने में पता नहीं कैसे होंगे ये तरुण ने पता नहीं तरुण ने अपनी तरह बना दिया इसको इतना काला बनो जितने ये काले हो गया ना इतना मैं हूं वैसे बहुत क्रंची लग रहे हैं हाँ वैसे खाने का मजा आएगा ऐसे ही सही होते हैं चल देखते हैं पहला चाप है तब काला मैंने अपनी उंगली साड़ दी तो दोस्तों अभी हमारे सोया चाप हमने कर दिए रेडी और अब यहाँ पर हर्ष भाई अपने डाल रहे हैं चिकन के पीसेस डालो ऐसे रैंडम डाल बाद में देखना तेल तो पूरा काला हो गया यार एकदम पास पंडित पीछे होना पंडित इधर पीछे कर मैं ए थोड़ा निकाल उसको ऊपर निकाल पहले नीचे से गैस फुल कर चल 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 सो दोस्तों अब कह रहे हैं टेस्ट बन गया खा के देखते हैं वाह क्रंची वाकई यार
बनी नहीं चाहिए चीज। कैटी खुद ले भी मेरी ऐसे ही तारे वो कर रहे थे बेइज्जती। कैटी ले गया, कैटी ले गया वो। ये तो बाबू ने उठा था, ये दो बारी करो। कैटी ले भी गया वो। नंबर डाल उसके ऊपर। ओए मुझे भी ना, मुझे थोड़ा सा एक कोली में डाल देना, ये कोली पड़ी है मेरी वाली कोली। कहा जा भाई, अभी तो महफिल बनेगी। अरे एक कोली और पड़ी थी ना, मुझे डाल देना दो पीस यार। वो प्रावा पंद्रह कोली दे। तो दोस्तों दिखने में तो काले लग रहे हैं ना, लेकिन सच में बहुत ज्यादा क्रंची और टेस्ट बने यार। हमने सोचा, हमें लगा खराब हो चुके हैं, बट बहुत ज्यादा टेस्ट बने यार। क्रंची क्रंच इसमें तभी आया। चिकन नहीं भाई, ये फ्राई चॉप खाया फर्स्ट टाइम आज, बहुत टेस्ट लगा। मजा आ गया। क्या खाते लोग ऐसे चिकन चुकन खाते हैं, क्या खाया करो, अच्छी होती है। अरे ऊपर चला ली भाई ये ना, मैंने पूरा काला बीज लिया है। घासी मुंडी पीछे रखे मारनी है। तो अभी हमने यहाँ पर अपने बारबेक्यू में रख दिए हैं चिकन, अभी उसको कर रहे हैं तैयार। और मैं तो यार गाड़ी के अंदर बैठ गया हूँ, इन्हीं को काम दिया हुआ आज, और मैं गाड़ी के अंदर बैठ के एंजॉय कर रहा हूँ। तो दोस्तों मैं अब गाड़ी में लेट चुका हूँ, मैं थक गया हूँ बहुत ज्यादा आज, तो मैं रेस्ट मार रहा हूँ। और भाई लोग बाहर कैंपिंग कर रहे हैं, और हमारा दोस्त बुल्ली आने वाला है। मेरे को अभी से पसीने छूट रहे हैं ठंड में भी। तो दोस्तों अरविंद भी आ चुका है ब्लॉग में, आपको उससे भी मिलाता हूँ। लास्ट ब्लॉग में भी आया था बट मैं मिला नहीं पाया था, तो आज आपको मिलाने जा रहा हूँ। वो भी आ चुके हैं और अपनी बुल्ली के साथ आया। ओरे पिया। तो दोस्तों ये देखते हो, चिकन इज रेडी और बहुत ही डिलीशियस लग रहे हैं बारबेक्यू होने के बाद। सो दोस्तों चेक करो यार, कितना डिलीशियस लग रहा है यहाँ पर चिकन, पूरा फुल बारबेक्यू के साथ रेडी हुआ हुआ यार। तो जिस इसको मुंह में पानी आ रहा है तो वो मुंह में पानी मत लाएं। देखो, ओ मेरे कंट्रोल से बाहर हो रही है और मुझे इसको किसी हिसाब से कंट्रोल करना ही। सो दोस्तों यहाँ पर अरविंद भी आ चुका है अपनी बुल्ली के साथ। तो पिछले ब्लॉग में यार नहीं दिखा पाया था, बट आज जल्दी आया तो आज अरविंद से मिला रहे हैं आपको। और बुल्ली ने यार बहुत परेशान किया हुआ है, देख सकते हो आप, बुल्ली को भी अरविंद ने पकड़ा हुआ है। देखो बुल्ली पूरी फोर्स लगा रही है मुझे छोड़ो भाई, मुझे यहाँ पर खेलना है सबके साथ, बट इसके खेलने के सबसे ज्यादा परेशान किया है तो तरुण को किया हुआ है बुल्ली ने। तिजोरी का सोना नहीं, दिल है हमारा खिलौना नहीं, कैसे खरीदोगे तुम प्यार में, बिकते नहीं दिल ये बाजार में, वो चीज नहीं है हम दो यूं बिक जाएंगे, हम तो टकराएंगे, तेरे इश्क में नाचेंगे। क्या बात है, तेरे इश्क में नाचेंगे, आई है रंग लाई है। सो दोस्तों काफी मजा आया कैंपिंग करके। सो अभी यार सबने मतलब कैंपिंग एंजॉय की है, खा पी लिया अच्छे से, अब अपने फुल एंजॉय कर रहे हैं। अपनी जो हमारा कोयले है ना उसको मैं एज ए बॉनफायर एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है फिलहाल। अभी थोड़ा सा एंजॉय करते हैं म्यूजिक को और देखते हैं डांस का माहौल ही बनाते हैं, क्योंकि इसके बिना कैंपिंग अधूरी है ना। सो लेट्स ब्रो, बॉबी यार लीड करेगा हमारा, बॉबी हमारे हीरो है व्लॉग के। भाई सुनना, संभाल लेके पहुँच, अरे लड़के लोग घुस गए हैं बंदे लोग को कॉल कर। मम्मी पापा जानते जो करना है कर लो। मुझको यास्ता है तेरी, हाय हाय यास्ता है तेरी, दिल की बात समझ ले, कर ले दिल की हेरा फेरी।
में नाचेंगे, तेरे इश्क में नाचेंगे। तूने तड़पाया है, तुझको तड़पाएंगे, तुझको तड़पाएंगे, तेरे इश्क में नाचेंगे, इश्क में नाचेंगे, इश्क में नाचेंगे, तेरे इश्क में नाचेंगे। पीले पीले ओ मरे बाजा, पीले ओ मरे जानी, पीले पीले ओ मरे जानी, यार की है यारी मेवाने, पीले पीले ओ मेरे राजा, पीले पीले ओ मेरे जानी। किसी डिस्को में जाए, किसी होटल में खाए, देख लेना हमें यहाँ दिल घूम के आए। चलो इश्क लगाए, चलो इश्क लगाए, चलो इश्क लगाए, अपने दीवाने का कर दे बुरा रे, लड़कियों से गोली मारे, लड़कियों से गोली मारे, लड़की कमाल रे, लड़कियों से गोली मारे, तरुण भाई बस डांस करेंगे। देखो देख पा रहे हो पीछे, कितने रंग बदलती है, लंबे लंबे काले काले आगे से बाल रे, अखियों से गोली मारे, बस। सो दोस्तों यार आई होप आपको मजा आया होगा यार आज का म्यूजिक और डांस देख के, अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलना। बाकी यार अभी थोड़ा सा बैठे हैं, अभी बहुत ज्यादा टाइम पड़ा है तो फुल एंजॉय कर रहे हैं, तो अभी ना ठंड लग रही थी तो वापस अब गर्म हो गए थे डांस करते करते, लेकिन अब थोड़ा सा रेस्ट ले रहे हैं और यहाँ पर अभी हमारा आग चल रही है वो इसी को हम थोड़ा सा आग को सेक रहे हैं, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा, आपको पता है जम्मू कश्मीर में बहुत ज्यादा ठंड पड़ चुकी है, वैसे ही पूरे भारत में भी ठंड पड़ रही है, फिलहाल आग को सेक रहे हैं, सब एंजॉय कर रहे हैं। हाँ साउथ में गर्मी है ना, सारे चुप, सारे चुप, यहाँ पर पापा का फोन आ चुका है, चुप चुप। हेलो हाल में बाहर मम्मी, चल ठीक है। सो दोस्तों यहाँ पर घर से फोन आ चुके हैं, अब हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। बुल्ली कुछ दिख रहा है यार भाई, बुल्ली कुछ दिख रहा है, बुढ़ी क्या हुआ भाई, बुल्ली को स्मेल आ रही किसी की, ओए यार कसम से मैं बोल रहा हूँ मुझे भी आवाज आई, लेकिन मैंने जा जानी जब बुल्ली ने आवाज दी ना तब कंफर्म हो गया कुछ उसको दिख रहा है सच में। दोस्तों अभी हमें कसम से फिर से आवाज आ रही जंगलों में, तो बुल्ली बुल्ली आज जंगली जानवर है, आज बुल्ली साथ में है ना, तो आज बुल्ली बुल्ली को आगे रख रहे हम। क्या
भाई बुल्ली कुछ दिख रहा है यार, है नी जंगलों में से आ रही आवाज, आगे जाना चाहिए हमें, मेरे हिसाब से रिस्क है, लेके तो जा रही है। चला आ देखते हैं, तुमने हथियार अपने हाथ में पकड़े हैं भाई, तुम लोगों ने हथियार लाए हैं? हां मेरे मेरे पास है। कहां है दिखा? ये देखिए मेरे पास ही है, बस एक ही हथियार लेके आते हो तुम लोग? वो ये दोस्तों कंटीन्यूअसली बोंगती जा रही थी, इसीलिए हमें लगा कुछ है इधर, तो बस चल रहा है, चल रहा है लेसन एक्सप्लोर लो। वे कुछ आवाज आई यार बोली। दोस्तों अभी हम यहाँ पर गाड़ी को पैक कर रहे थे, तो हमें अभी जस्ट अभी आवाज आई है, तुमने आवाज सुनी? कुत्ते कुत्ते भोग रहे हैं मेरे पास है, मेरे पास है यार, कुछ पकड़ ले अपने हाथ में, कुत्ते भोग रहे हैं। बट्टा पकड़ ले, बट्टा पकड़, बट्टा पकड़ यार, बड़ा बट्टा पकड़, इससे कुछ नहीं होगा यार, वो पकड़ा, ये पकड़ मोटा उसको, तू पकड़ो, तूने पकड़ा वो डंडा, बस ठीक है ठीक है, बट्टा भी पकड़ ले हाथ में, चल चल भाई आगे 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 आगे, मजा आया समझ लो, तो यहां से तुम लोगों ने चिकन यही फेंके है ना, चिकन के पीस, ओए ये चीज है, ओए ये चीज है, ओए बंदा हाथ कर यार, मत कर तुम भाई, मत कर, शोर मत कर बुली, आवाज आई कोई बुली, चल दिया पापा जाने, वो आगे मत जाओ यार, यार रात को यहाँ पे स्टे कर रहा, आगे क्या नहीं जाओ, तो देख लेते आगे क्या है, कोई आगे आगे रुझू सुन जाओ यार, आगे बिल्कुल घना जंगल है, झाड़ियाँ हैं, हमने दिन में देखा था, आगे आगे मत जाओ, हथियार है ना मेरे पास, है तो है बस, भाई डंडा आगे, डंडा डंडे से, वो सुन जो भी होगा ना वो हथियार से नहीं, डंडा रखना आगे, डंडा देखो बात, बुली 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 कहाँ जा रही है आगे, सारे मत आओ, सारे आगे मत जाओ, मेरे को आगे जाना, रुको, हम दिन में यहीं पर आए थे यार, मैंने देखा था यहाँ पूरा घना जंगल था यार, कुछ दिख नहीं रहा दूर दूर, यार तू आगे कहाँ जा रही है, रुकना वापस आ जाओ, ओ कुछ है तो मुझे दोस्तों बुली इधर ही रह गया, समान हमारा वहीं रह गया, जल्दी आ वहां पर भाई, बुली बुली भाग रही है, बुली बुली जल्दी कर, जल्दी भाई जल्दी कर यार, जल्दी भाग भाग भाग, ओ यार यहां से पड़ गया, मैंने कम ओ बुली बुली ओ मत, बुली क्या हुआ, उसे दी पैकिंग कर दिया, कहां जाना सीधा, हां सीधा मैं जा के ना, वो जो नहीं आता उसे थोड़ा सा। सो एवरीवन यार हमने वहाँ से फिर घर निकल आए थे यार, क्योंकि वहाँ पर हमें सेफ नहीं लग रहा था, तो अरविंद कहता है घर चलते सारे, तो अरविंद भी चला गया अपनी गाड़ी में और हम भी वापस आ गए हैं, तो अभी बस तरुण को यार छोड़ने वाला हूँ, आज रात को हम वापस ही आ गए घर पे, तो अगर आपको ब्लॉग पसंद आया होगा तो प्लीज़ ब्लॉग को लाइक और कमेंट शेयर करके जाना, तो बाकी यार मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, करो दोस्तों थोड़ी सी, हाँ 50,000 की फैमिली इसी साल खत्म करो जल्दी, हाँ और 50K यार मैं चाहता हूँ कि वैसे 2024 में ही होंगे, बट मैं चाहता हूँ कि यार ये जो भी थोड़े दिन रह गए हैं, 2023 में हमारी 50K हो जाते, तो हम इसी साल नए साल की शुरुआत में हम 50K के साथ सेलिब्रेशन करते, बट चलो कोई नहीं जब भी होंगे वो तो करेंगे ही, ऐसे भी करेंगे, बड़ी सेलिब्रेशन होगी 50K में, और बस अपना प्यार जरूर बनाए रखें ऐसे ही, ठीक है, 2024 खत्म होने से पहले पहले प्ले बटन पहला आ जाए भाई, नहीं दो, हाँ 2024 में हमें प्ले बटन चाहिए, ठीक है, सो फुल सपोर्ट चाहिए आपका, ठीक है, तो ब्लॉग को हमेशा सपोर्ट देना, लाइक कमेंट शेयर करके और कमेंट जरूर करते रहना, आपको क्या पसंद आ रहा है और क्या पसंद नहीं आ रहा, ठीक है, बाकी मिलते हैं जल्दी अगले व्लॉग में, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, विल मीट यू सून, बाय बाय।